नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्या न्यूज टीवी। नित्या न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ विनोद कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शेरघाटी हमजामपुर स्थित मौलाना चक अग्रवाल पेट्रोल पंप पर जिला अधिकारी अभिषेक सिंह ने फीता काटकर सीएनजी पंप का उद्घाटन किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शेरघाटी अनुमंडल के आमस प्रखंड के मौलानचक में अग्रवाल पेट्रोल पंप पर सीएनजी गैस का उद्घाटन किया गया। जिला अधिकारी अभिषेक सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। जिला अधिकारी अभिषेक सिंह ने कहा कि मगध के पहला प्रोजेक्ट है जो गया जिला के आमस प्रखंड के मौलानचक एनएच 2 पर सीएनजी गैस से वाहनों को प्रदूषण मुक्त करेगा। आपको बता दें, साथ ही पेट्रोल से कम दामों में सीएनजी मिलता है। इस मौके पर प्रोप्राइटर राजू अग्रवाल ने कहा कि सीएनजी का दाम 65 रुपया प्रति किलो मिला है, जिससे पेट्रोल से ज़्यादा एवरेज देगा। अनिल कुमार ने कहा कि गया के पहला स्थान है, हमजामपुर के मौलानचक में सीएनजी पंप लगाया गया है, इससे लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। शेरघाटी से मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। एक आईओसीएल के द्वारा गया जिला तो सिटी गैस स्टेशन का जो बनाना था, उसका पहला और सिटी रोड पे है शेरघाटी में सबसे पहले शुरू किया गया। और ये एक भारत सरकार की तरफ से जो एक अभियान है क्लीन एनर्जी में चेंज होने का और इकोलॉजिकल फ्रेंडली में करने का, उसके आलोक में हम लोग ये कर रहे हैं। और आने वाले समय में 4 और ऐसे स्टेशन गया जिला में किए जाएंगे। आप सबको पता है कि गैस पाइपलाइन गिर की यहाँ से गुजर रही है और जिला कचरा डाइवर्टिंग होगी और आज के रूप में आने वाले समय में हम लोग न केवल सर सिटी गैस स्टेशन को भी देखना चाहेंगे, पर आने वाले समय में हर घर तक भी कनेक्शन होता है सीएनजी का, उसके ऊपर भी हम सीएनजी कर। लेकिन ये जो योजना है उसका मैं लोगों से अनुरोध करूँगा कि आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैं, ऑटो चलाते हैं या गाड़ियाँ चलाते हैं, तो आप सीएनजी कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि सीएनजी सस्ता भी है, अब उपलब्ध भी है आपके पास, माइलेज भी बेटर है और ये गाड़ी के लिए भी बेटर और इको फ्रेंडली भी है। और अगर आपका पर्सनल गाड़ी है, प्राइवेट गाड़ी है, तो भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा कई सारे स्कीम है इसका आपको उसका लाभ मुझे लगता है कि एक अभियान है। और आने वाले समय में जिस तरह से लोगों ने अपने आप ऑटो में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपना लिया है, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियाँ चल रही हैं, इसी तरह आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूँ लोग सीएनजी को देखना। जी धन्यवाद। मैं राजू प्रसाद अग्रवाल पेट्रोल पंप मोलना चक प्रोपराइटर। सीएनजी के बारे में मुझे कहना है कि ऑलरेडी सीएनजी दिल्ली में से तो पहले है, दिल्ली वगैरह शहर में तो पहले से ही अवेलेबल है। अभी मगध के मिशनरी में पहला हमारे के यहाँ इंस्टॉल हुआ है, चालू हुआ शेरघाटी। इसके अलावा और अभी प्रोसेस में है, 6 महीना के अंदर और जगह चालू होगी गया में। तो सीएनजी से तो सबसे बड़ी फ़ायदा आ गया कि अभी 105 रुपया 39 पैसा लीटर पेट्रोल का है, 1 लीटर फोर व्हीलर में 16 किलोमीटर एवरेज देता है। सीएनजी का रेट यहाँ फिक्स किया गया है 65 रुपया प्रति के जी। 1 केजी में 65 रुपया में आपको 25 किलोमीटर एवरेज देगा, 25 किलोमीटर यानी आपको जर्नी कॉस्ट 50% आएगा। तो सीएनजी से तो फ़ायदा है ही लोगों को, दूसरा फायदा है कि प्रदूषण कमेगा और आने वाला दिन में डीजल पेट्रोल का क्योंकि दूसरे देश से जो आयात करना पड़ रहा है उस इंडिया पर जो लोड पड़ रहा है, इससे भी लोग सरकार को राहत मिलेगा। और सीएनजी आने वाला दिन सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन ही होगा, ऐसे प्रदूषण पर भी फर्क पड़ेगा, प्रदूषण कम होगी। यही मेरा कहना है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि सीएनजी जो है ग्रीन फ्यूल के नाम से जाना है, जो पॉल्यूशन बहुत कम करता है
और आज के परिवेश में इसका इम्पोर्टेंस ये भी है कि पेट्रोल दूसरा जो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेन की हेल्थ के लिए पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हेयर ऑयल का ये प्रयास है जो उसके बाद और गाड़ियाँ जो है इसलिए कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि बहुत इकोनॉमिकल है और सस्ता है, कन्वर्ट देखिए कन्वर्शन के लिए जो डिफरेंट एजेंसीज एंड वो इंडियन ऑयल अदानी पूरी टाइम टाई अप किए जाते हैं, वो एजेंसियाँ जो है लोग कन्वर्ट करते हैं जिसके रेट अलग अलग रहते हैं, बट लोग डेफिनेटली इस पर भरोसा कर रहा है जब हम लोग खोलें ताकि गैस की उपलब्धता जैसी होगी तब आप देखेंगे कि अभी जैसे कुछ ऑटो वाले कन्वर्ट हुए फिर धीरे धीरे कन्वर्ट होगी और भी गाड़ियाँ कन्वर्ट हो जाती है। ये सबसे बड़ा जो पॉल्यूशन का रहता है ठंडी में आप देखते होंगे कि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है क्यों रहता है व्हीकल और इंडस्ट्रियल के कारण, तो इसी ओर प्रयास है कि अब जितना मैक्सिमम हो सके ये ग्रीन फ्यूल को बढ़ा जाए और कांग्रेस नेशनल के सीएनजी जो स्टेशन है उसी दशा में एक प्रयास है। जो गाड़ियाँ ऑलरेडी ऑन द रोड देखिए सी एन जी सबसे पहले गाड़ियों की सब गाड़ियों के लिए पॉलिसी आ जाएगी और गाड़ियों के कन्वर्शन के लिए गवर्नमेंट भी इसकी वॉच कर रही है, पहले सी एन जी स्टेशन नंबर अवेलेबल हो जाए, पता चला एक स्टेशन इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत सारे लोग कन्वर्ट करा लिए तो मुश्किल होगा, तो इसीलिए अभी सबसे पहले प्रयास हो रहा है कि सौ वाले स्टेशन की संख्या बढ़ाई जाए, बहुत सारे ऑथराइज किया जाएगा जो ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए इसको अलग अलग तरीके से पीछे अवेलेबल रहेंगे जो कोई भी जाके जी। आपका परिचय? मैं अजय कुमार सिंह पटना में बैठा हूँ एयर ऑयल ऑपरेशन का एंड बारह डिस्ट्रिक्ट में जो पेट्रोल पंप का ऑपरेशन वो मैं देख रहा हूँ, क्रॉस कर रहा है और सुना धोबी होटल में ये राजगीर और बाकी जगह भी जा रहा है और इस गैस पाइपलाइन का जो भारत सरकार के द्वारा एक कार्य शुरू हुआ था उसका मेन पर्पज ये था कि किस तरह से जो हम लोग की जो निर्भरता है, जो हम लोग फसल फ्यूल पे है, पेट्रोल पे डीजल पे, उसको हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ जाए, उसको हम लोग किस तरह से एक इकोलॉजिकल फ्रेंडली सिस्टम की तरफ जाए। बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा कि हम पहले दिल्ली में ऑलरेडी सीएनजी पूरा जो जितने भी लोकल ट्रांसपोर्ट होते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट सीएनजी में कन्वर्ट किया गया है, बहुत सारे कैपिटल्स को सीएनजी में कन्वर्ट किया जा चुका है भारत सरकार के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा, बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसमें सीएनजी कन्वर्जन के आपको बेनिफिट मिलते हैं।